स्पेसिंग के टॉपिक में बेटा हमारी लास्ट चीज रह गई है, लाइन स्पेसिंग हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग को भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, लास्ट बेटा हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग से क्या मुराद है? अभी तो हमने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है, हम एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखते हैं, उसके लिए बेटा तरीकाकार क्या है, हम इकट्ठा तो इतना ज्यादा एकदम नहीं लिख सकते, तो हम तीन पैराग्राफ्स लिखते हैं जो कि 4-4 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो बेटा ये हमारे तीन पैराग्राफ आ गए, इनकी लाइन स्पेसिंग मैं 1 कर देता हूँ, लाइन स्पेसिंग 1 कर दी। करेक्टर स्पेसिंग के लिए बेटा मैं फॉन्ट की ऑप्शन में गया और मैंने इसको नॉर्मल कर दिया कि करेक्टर स्पेस इसकी क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इस एक पैराग्राफ से लेकर इस दूसरे पैराग्राफ के दरमियान का जो फासला है वो मेरा इंक्रीज हो जाए। या अगर मैं दरमियानी बिल्कुल सेंटर वाले पैराग्राफ की बात करूं तो इस पैराग्राफ के ऊपर और इस पैराग्राफ के नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे अप एंड डाउन दोनों का फासला जो है उसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूं, इसको मैं पैराग्राफ स्पेसिंग कहूंगा। पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए बेटा आप पैराग्राफ सेटिंग्स में जाओगे, पैराग्राफ सेटिंग्स में आप गए तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग का, ये लाइन स्पेस तो लाइन के लिए है, ये सिर्फ जो इतना सा पोर्शन है स्पेसिंग का ये हमारा इस्तेमाल होता है पैराग्राफ की स्पेस करने के लिए। वो कहता है कि पैराग्राफ से पहले कितना फासला होना चाहिए, यानी पैराग्राफ से पहले हम कहते हैं कि पैराग्राफ से पहले 24 का पॉइंट्स का फासला होना चाहिए और पैराग्राफ के बाद भी हमारा 24 पॉइंट का ही फासला होना चाहिए। तो बेटा जैसे ही मैंने किया तो ये देखो इस पैराग्राफ से पहले भी 24 पॉइंट का फासला आ गया और इस पैराग्राफ के बाद भी 24 पॉइंट का फासला आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान फासला खत्म हो जाए, यानी पैराग्राफ्स के दरमियान कोई फासला ना हुआ करे, तो आप बेशक सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और स्पेसिंग आप 0 पॉइंट्स की कर दो। जब आप 0 पॉइंट्स की स्पेसिंग कर दोगे तो बेशक पैराग्राफ बने हुए हैं लेकिन उनके दरमियान फासला नहीं होगा। अब आप दोबारा चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इनके पैराग्राफ की दोबारा से स्पेसिंग क्या हो जाए, वो 1-1 पॉइंट हो जाए या 6 पॉइंट हो जाए, जितने पॉइंट आप करना चाहो, तो आप दोबारा से इनके दरमियान की स्पेसिंग 6 पॉइंट हो जाएगी। लाइन स्पेसिंग क्या है दोबारा से बताने के लिए, लाइन स्पेसिंग एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान फासला देने के लिए लाइन स्पेसिंग इस्तेमाल होती है। करेक्टर स्पेसिंग क्या है, एक करेक्टर यानी एक लफ्ज़ लिखे गए से दूसरे लफ्ज़ के दरमियान फासला ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए हम करेक्टर स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान हम फासला कम या ज़्यादा करने के लिए पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम स्पेसिंग की ऑप्शन आप सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हो। हो सकता है कि बाज़ूकात आप पैराग्राफ के मतलब जिस तरह ये लेटर्स हैं ये एक्सपेंड होकर आपको ज़्यादा अच्छा लुक दे रहे हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप एक एक करेक्टर में स्पेस दो, आप सिंपली करेक्टर स्पेसिंग की मदद से बड़े आराम से इनके दरमियान स्पेस जनरेट कर सकते हो। इसी तरह एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान फासला आप एंटर की की बार बार दबाने की बजाय सिर्फ आप पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर दो, एक दफ़ा लिखने के बाद आप सारे पैराग्राफ में स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग भी आपके लिए बेटा ज़रूरी है, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान अगर आप स्पेसिंग जनरेट करना चाहते हो तो वो भी आप बड़े आराम से जनरेट कर सकते हो। तो बेटा ये स्पेसिंग के हमारे तीन टॉपिक्स थे, इन तीन टॉपिक्स के साथ आज हम दो चीज़ें और सीखेंगे फिर हम इंडेंट को अलहदा से डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ को कलर को चेंज करना, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ लाइन स्पेसिंग के कलर को चेंज कर दिया जाए, तो बेटा ये हमारे पास जो ए लिखा हुआ है हम कहते हैं फॉन्ट का कलर, ये जो हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं फॉन्ट, जिसको हम टेक्स्ट भी कहते हैं। फॉन्ट का कलर जो इस टाइम लाइन रेड कलर की नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको रेड कर दोगे तो फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा। लेकिन आपके पास मल्टीपल कलर्स मौजूद हैं, आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको इन कलर्स में से भी कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप मोर कलर्स में जाके अपनी पसंद का कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये भी कलर्स पसंद नहीं है तो बेटा ग्रेडियंट में कुछ स्टाइल हैं जिसमें आपके पास मिले जुले कलर्स होते हैं, यानी कुछ ग्रीन कुछ वो, मिसाल के तौर पर मैं रेड करता हूँ तो रेड के अगर मैं कलर में जाऊँ तो ग्रेडियंट में वो अब रेड के डिफरेंट शेड्स में मुझे कलर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें ब्लैकिश रेड है, कुछ हिस्सा रेड है कुछ हिस्सा ब्लैक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अब ये प्योर रेड कलर नहीं है, कहीं पर रेड है कहीं पर डार्क रेड है कहीं पर ब्लैक है कहीं पर लाइट सा रेड कलर है। तो हम अपने कलर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा हम
अपने किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप हाईलाइटर से कोई चीज हाईलाइट करते हो तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। हाईलाइट में आपका टेक्स्ट का कलर वही रहेगा जो है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बन जाएगा जिस कलर का आप उसको हाईलाइट करोगे। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट कलर हाईलाइट करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं इसको रेड कलर येलो कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट को कलर करना है, फॉन्ट को कलर करना है, तो बेटा ये AO वाली ऑप्शन है, इसको आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हो। फिर बेटा आप अगर किसी वजह से इसको दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में लेके जाना चाहते हो तो सिंपली आप ये इरेजर का बटन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको प्रेस करोगे तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। आपने जो भी लाइन स्पेसिंग दी है आप इसको ये वाला बटन दबाओगे वो बिल्कुल नॉर्मल में आ जाएगा। आपने जो भी करेक्टर स्पेसिंग दी है आप ये इरेजर का बटन दबाओगे वो बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। आपने जो भी लाइन स्पेसिंग जो कुछ भी अप्लाई किया है आप सिंपल ये इरेजर का बटन दबाओगे तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो मर्जी किया है आप ये सिंपल बटन दबाओगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये बेटा हम लाइन स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट को कलर करना और टेक्स्ट को हाईलाइट करना हमने आज सीखा है। अगली वीडियो में बेटा हम टेक्स्ट इंडेंट के बारे में सीखेंगे कि इंडेंट से क्या मुराद है।